आपके बैग्स लग चुके हैं, तीन वेलक्रो है, जो दो वेलक्रो है वो सीट के नीचे जा रहे हो, सैडल बैग्स लगाए हैं और टॉप बॉक्स लगाया है। इस फील अभी ऐसा आ रहा है कि जैसे मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन व्हाई हार्ड टॉप बॉक्स एंड व्हाई सॉफ्ट सैडल बैग्स। आप कैमरा वगैरह लगा के मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह पूरी करते करते क्या होगा सर? हमारा भी ऐड कर। आगे आप क्या करिए? तेल इतना महंगा हो गया। हमारा डला है 15 पॉइंट। सो गाइस लेट मी फर्स्ट शो यू कैसे इसको लगाना है। लगाने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे स्ट्रैप्स होते हैं। सो ये स्ट्रैप्स के लिए कोशिश करो, अगर आप दो लोगों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप अकेले हो बट स्टिल आप कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी रियर सीट को खोल लो। रियर सीट को ओपन करने के बाद यहाँ पे दो वेलक्रो दिए हैं, ये दो वेलक्रो आपके आराम से यहाँ पे लग जाएंगे। एक जो पीछे वाला आपका रियर वेलक्रो है, ये आपका इन हैंडल बार्स के नीचे से आ जाएगा और बहुत इजीली आप इसको ऐसे लगा सकते हो। एंड जो फ्रंट वाला है उसको आप सीट के नीचे रखोगे। सो जो रियर वाला है यू नीड टू मेक श्योर वो आपका सीट के बाहर है, ताकि आपका बैग बहुत ज़्यादा आगे ना हो और ये आपका सीट के अंदर रहेगा। सो एक सजेशन जो मेरा ये है, आप ये वाला जो एरिया है, ये पेंटेड एरिया, इसको लेमिनेशन करवा लेना, बिकॉज इसकी वजह से यहाँ पे जो भी वेयर एंड टीयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा फिर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज लेमिनेशन आप चेंज करवा सकते हो इन फ्यूचर। सो सबसे पहले यू नीड टू मेक श्योर आप ये कर लो। देन उसके बाद आपके पास एक स्ट्रैप यहाँ फ्रंट में है, जिसको आप यहाँ से निकाल के इधर लगा लोगे। ये आपका बॉटल होल्डर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 25 लीटर है, एंड अगर आप इस वाले जिपर को खोल लोगे तो ये 32 लीटर हो जाएगी। फ्रंट में आपके पास एक और पॉकेट दे रखी है, विच इज़ अगेन कूल स्टफ। ये आपका शोल्डर बैग भी बन जाता है अगर आप चाहो तो। इन स्ट्रैप्स को अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे लगाओगे तो ये आपका शोल्डर बैग भी बन जाता है। इसके साथ इसमें आपको मिलता है रेन कवर। सो इट्स अ फुल पैकेज ऑल टुगेदर। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, ये वाला स्ट्रैप आपको यहाँ से लेके जाना है दोनों तरफ से, और ये वाला जो स्ट्रैप है ये भी आपका हैंडल बार के नीचे से जाएगा और इसको आप इस तरह से टाइट कर सकते हो। प्लस ये जो यहाँ पे गैप है इसके अंदर आपका ये इजीली आ जाएगा अगर आपके पास टी आर के, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटल कर सकते हो। जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि ये आप इनिशियली भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लगा लोगे और ये जो है आपके, अगर आपके पास सैडल स्टेज हैं तो सैडल स्टेज पे आराम से इस तरह से लग जाएगा। दो आपके इस तरफ दिए हुए हैं, दो आपके इस तरफ दिए हुए हैं, सो चार जो है आपके यहाँ पे आराम से लग जाएंगे। लास्ट स्टेप कि आप इसको बैक पे ऐसे लगा दो। सो वी आर गुड टू गो। सो इस तरह से आपकी अब सीट लग जाएगी, या आपके बैग्स लग चुके हैं, दो स्ट्रैप्स आपके आगे लगे हैं, एक स्ट्रैप आपका जो है यहाँ पीछे लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद यहाँ से अंदर से तीन वेलक्रो है, जो दो वेलक्रो है वो सीट के नीचे जा रहे हैं और एक वेलक्रो सीट के बाहर से जा रहा है। सो इस तरह से पूरा आपका टाई हो गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, उसके बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी वाटर बॉटल्स आ जाएंगी, ऊपर से आपका आराम से खुल जाएगा, यहाँ पे आप इस पर लॉक लगा सकते हो अगर रिक्वायर्ड हो। सो ये था आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब चलते हैं बाइक राइड पर, आपको मैं लेके चलता हूँ। ठीक है ठीक है, धीरे चलेंगे। अब वैसे बैग वैग लगे उसके साथ 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। मिलते हैं जल्दी फुल स्पीड में। ठीक है, ध्यान रखना अपना, कोई भी ज़रूरत हो बता देना। और इसी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और सैडल बैग्स लगाए हैं और टॉप बॉक्स लगाया है। इसके साथ मेरी पहली लॉन्ग टूर है। सो इस पहले लॉन्ग टूर में आई डोंट वांट एनी मिसहैप, बिकॉज ऑब्वियसली अभी भी लगाया है तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अगर राइड सक्सेसफुल रहती है। तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरी दोनों तरफ स्पेस अच्छा खासा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, दोनों तरफ मेरे को स्पेस लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी तो इशू करे पैनियर नहीं है, अगर पैनियर होते तो और प्रॉब्लम हो जाती। थोड़ा मेरे को बता दियो इन केस अगर मैं किसी के क्लोज जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे नॉर्मल ट्रैफिक होता है ना तब। वो एक सेंसर की तरह टिक टिक करती है। डन डन डन। मुझे शीशे में भी नहीं दिख रहे ना, वो भी नीचे है ना काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे इतना शीशे में भी नहीं दिख रहे। सो अभी जो है राइनॉक्स नोमैड मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरा टॉप बॉक्स है वो है शीजू का, एंड मैंने बेनिडोर स्पिट शॉप से ऑर्डर किया था और राइनॉक्स मैंने राइनॉक्स की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया है। फील अभी ऐसा आ रहा है कि जैसे मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज दोनों तरफ मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है। ऐसे नॉर्मली जब मैं पल्सर 220 चलाता था तो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, बिकॉज इतना आइडिया हो गया था। जब मैंने टी आर के 502X ली तो मुझे ध्यान रखना पड़ता था यार कि बड़ी बाइक है, कहीं इसके ये जो लेग गार्ड्स बाहर की तरफ निकले ये किसी को टच ना हो। एंड अब एक और बार ऐसा लग रहा है पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि अब मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ बैग्स लगे हैं सैडल बैग्स और वो बाहर की तरफ हैं।
बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है आई वॉन्ट से, बट स्टिल क्या होता है ना, हमें आगे का आइडिया है कि यार इतनी चौड़ी बाइक है, लेकिन पीछे कई बार हम ना इस तरह से कट, अब मैं ऐसे आके कट मारूंगा तो वो स्कूटी या बाइक पे या किसी गाड़ी पे बच सकता है बैग, और बजेगा तो मैं भी इम्बेलेंस होऊंगा, प्लस लड़ाई अलग की पड़ेगी, पंजाब में भी है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाला बंदा काम रखेगा तो चिल है, अगर वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया तो फिर लड़ाई होनी होनी है, वो चाहे फिर दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं पे भी हो सेम ही है ह्यूमन नेचर। अभी मैं इनिशियली सिटी से निकलते हुए थोड़ा सा ये ध्यान दे रहा हूँ कि स्पीड ज़्यादा ना करूँ और एक एस्टिमेट ले लूँ बाइक को मेरे को कितना गैप पे चलाना है, एंड जब एक बार हाईवेज पे आ जाएंगे तो हाईवेज पे इतनी टेंशन नहीं है बिकॉज वहाँ वैसे भी इतना ट्रैफिक नहीं होता, क्लोज ट्रैफिक। ओवरटेक करते हुए भी मुझे देखना पड़ेगा, जैसे अभी ओवरटेक इतनी जगह पे नॉर्मल बाइक पे मैं कर लेता, लेकिन इस पे मुझे इतना गैप लेना होगा और फिर करना होगा। आपको बताने के साथ साथ मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो माई मेन रीज़न कि मैंने पेनियर्स क्यों नहीं ख़रीदे और सॉफ्ट बैग्स क्यों ख़रीदे सैडल के लिए इज़ दैट हम लोग स्पेसिफिकली लाइक जो नॉर्थ में रहते हैं, हम लोग हिल्स पे बहुत ट्रैवल करते हैं, एंड जब आप हिल्स पे ट्रैवल करते हो ना तो देर आर हाई चांसेस कि आप गिर जाओगे, आप इम्बेलेंस होके नीचे बाइक गिर सकती है, एंड उस मोमेंट पे आपका जो सैडल बैग है अगर वो सॉफ्ट बैग है तो काफ़ी हद तक वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर वो पेनियर है तो वो जो शॉक होगा हार्ड पेनियर होगा तो, और तो जो शॉक होगा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो पास कर देगा बाइक के ऊपर, जिससे बाइक भी डैमेज हो सकती है, प्लस एक पेनियर अगर कहीं पे डैमेज हो जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, यार अब ये लोहे का डब्बा ख़राब हो गया मैं क्या करूं। लेकिन अगर एक सॉफ्ट बैग ख़राब होता है, घिसता है, मैं चलो एक और बैग अरेंज करके उसमें सामान डाल के आ सकता हूँ, उसको वहीं पर छोड़ के आ सकता हूँ, प्लस 5,350 rupees फॉर दीज टू बैग्स इज़ अमेजिंग। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हार्ड पेनियर दूंगे ना तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और गिरने के बाद जो डैमेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा दिल पे भी लगेगा, जेब पे भी लगेगा और बाइक पे भी लगेगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने साइड बैग्स को सॉफ्ट चूज़ किया और टॉप बॉक्स को मैंने हार्ड चूज़ किया, बिकॉज एक सेफ्टी रहती है और एक सिक्योरिटी रहती है, एज इन सेफ्टी इन द सेंस कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, डेफिनेटली आई वर्क इन एन आईटी इंडस्ट्री तो मेरे पास लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप जो हैं उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज मेरा ऑफिस का काम, मेरा व्लॉग, मेरा पर्सनल काम सब उनमें से किसी न किसी लैपटॉप पे होता है। जस्ट अ मोमेंट यहाँ से मुझे टर्न लेना और पीछे एक गाड़ी आ रही है। जी हाँ, सो आई नीड टू मेक श्योर कि यार वो गीले ना हो, चोरी ना हो, एंड फॉर दैट आई नीडेड समथिंग जो मैं लॉक करके छोड़ सकूं बाइक पे, इफ़ इन केस कहीं पे मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ या फिर अचानक से बारिश हो जाती है तो मैं अपने गैजेट्स कहाँ पे रखूँगा, माय मोबाइल फ़ोन, माय गोप्रो, माय लैपटॉप्स, तो उसके लिए टॉप बॉक्स वॉज अ मस्ट, बिकॉज टॉप बॉक्स के अंदर आपके पास एक तो वाटरप्रूफ वाला फीचर आ जाता है, मैं सैडल बैग्स पे कितना भी रेन कवर चढ़ा लूँ या फिर पॉलीथिन्स डाल लूँ बट स्टिल एक रिस्क रहता है कि उसके अंदर पानी सीप कर जाएगा, लेकिन टॉप बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है, प्लस एक हार्ड टॉप बॉक्स है तो अगर इन केस कुछ डैमेज भी होता है टॉप बॉक्स को होगा, वो लैपटॉप्स को कम ही होगा या निल ही होगा, लेकिन अगर मैं लैपटॉप्स को सैडल बैग में रखूँगा तो वो जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करेगा ना वो उसके साथ लैपटॉप्स पे भी एब्जॉर्ब करवाएगा और उसकी स्क्रीन चटकेगी ही चटकेगी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई टॉप बॉक्स इज़ हार्ड एंड इट्स नॉट अ सॉफ्ट बैग, एंड ऑल्सो मैं उसको लॉक करके जा सकता हूँ, सैडल बैग्स को मैं लॉक करके नहीं जा सकता, मैं हाँ ज़रूर उसी जिप पे एक छोटा सा लॉक लगा सकता हूँ, लेकिन वो कितना सेफ़ है, कितना सिक्योर है ये आपको भी पता है, बहुत ईजिली ब्रेक किया जा सकता है, प्लस सैडल बैग्स कोई भी आके रिमूव करके लेके जा सकता है। हाँ, इन माई केस मैंने जिस तरह से सेटअप किया है सीट के अंदर से मेरी आ रही हैं जो उसके वेलक्रोज हैं, सो इट्स काइंड ऑफ सिक्योर, बट एट द सेम टाइम कोई भी उसको कट करके आराम से उठा के लेके जा सकता है इनकेस बाइक इज़ अनअटेंडेड इन एन आइसोलेटेड एरिया, लेकिन टॉप बॉक्स को निकालने के लिए उनको चाबी चाहिए होगी बिकॉज इट्स लॉक्ड। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हार्ड टॉप बॉक्स एंड वाई सॉफ्ट सैडल बैग्स। काफ़ी होगी बातें, अब करता हूँ मैं राइड इन्जॉय। Oh.
हम लोग आते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, दिस इज तारा हवेली। ये आपका दूरी रोड के आसपास है, नियर बाय लुधियाना। इट्स अ ग्रेट प्लेस, मस्त प्लेस। पहले कंफर्टेबल हो जाएगा हाथ, एक बार ट्राई करके देख, अच्छे लगते हैं ना यहाँ से आगे तक, तो तेरे को भी दिला दूंगा, बढ़िया चीज है। अच्छा मैं रास्ते में चला रहा था, आगे बाइक देखी, ये निकला मेरे से आगे, मुझे ऐसा लगा ये पैर ऐसे करके क्यों चला रहा है बाइक। एक पलेखा पड़ता है। लुधियाना से ऐसे? अच्छा, आप कैमरा वगैरह लगा के मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह पूरी करते करते क्या हो वैसे? यूट्यूबर है। ओके, यूट्यूबर? हाँ जी। नंबर दो यार अपना फिर तो। आप चैनल पे सब्सक्राइब मारो ना, यूट्यूब खोलो, मैं चैनल दिखाता हूँ आपको। अच्छा, आपके किस नाम से? मेरा नाम डीजे मिनस। ठीक है, आ जाओ भैया, आप भी पार्टी नहीं हमारा भी ऐड कर। आगे आप? हाँ बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? रवि। ठीक है, इस पे सर्च करके सब्सक्राइब मार दो, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें आ जाएगा। मिलते हैं किस दिन, संडे राइड पे आए थे। ओके ब्रदर, सी यू, बाय। सो फार सो गुड। रास्ते में रुक के मेरे को चेक करना होगा कि उसकी सारी की सारी बेल्ट सही लगी हैं या नहीं लगी हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने रेन कवर भी चढ़ा दिया है। द रीज़न बीइंग, अगर गंदा भी होगा तो रेन कवर होगा, और रेन कवर आराम से धोया जा सकता है, लेकिन बैग को धोने में थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। अभी मैं 112-115 की स्पीड पे हूँ, और मेरे दोनों के दोनों सैडल बैग्स लगे हैं, टॉप बॉक्स लगे हैं। मैं 120 की स्पीड पे इसे क्रूज़ कर सकता हूँ, 6000 RPM 120 की स्पीड मैं चला रहा हूँ हाईवे पे। मुझे कोई ऐसा ड्रैग नहीं आ रहा है कि यार बाइक इधर उधर जा रही है, बाइक सीधा जा रही है, बाइक इतना स्टेबल है। बाइक देखो, हाथ छोड़ दिया मैंने, हाथ मेरा छोड़ा हुआ है मैंने, बाइक इतनी स्टेबल है, सीधा जा रही है। दोनों बैग्स के अंदर मैंने मेक श्योर किया कि यार सामान बराबर बराबर सा हो। क्या लग रहा है आपको, कितने की होगी, कितने की लगती है? क्या पता, वो तो आ गए। फिर भी थोड़ा सा, ये कितने की है? ये 6000 की। ये इलेक्ट्रिक है ना? अच्छा, तो ये देख के क्या लग रहा है, कितने की होगी? हाँ इतने की है, इतने की है, तीन तक पड़ जाती है, तीन प्लस। हाँ बढ़िया है इलेक्ट्रिक वाली। क्या करी, तेल इतना महंगा हो गया? तेल बहुत महंगा हो गया, सही बात। शहर का काम के लिए तो वैसे घूमती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किस जगह के हो? हाँ जी, यहीं से, यूपी से। किस जगह? नोएडा। धन्यवाद। ये अपना टॉप बॉक्स आ गया बढ़िया सा, ये आ गया हमारे दोनों के दोनों सैडल बैग्स। एंड द बेस्ट पार्ट, ये देखो, स्पिलन को कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये नीचे से आ गया, ये यहाँ इस साइड से आ गया, एंड बैक रेस्ट भी है, सो उसके मज़े लगे हुए। बाकी फुल्ली लोडेड बाइक इस टाइम पे बहुत ही प्यारी दिख रही है। वाओ, द काइंड ऑफ लुक इट इज़ गिविंग इज बहुत बढ़िया। बिल दे देना इसका ना, हमारा डाला है 15.52 भाई, 22.74। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए इसी तरह, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले किसी ब्लॉग में। इट्स आर स्टोरी।